नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको नई जानकारी लेकर आए हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में ऑनलाइन नामांकन की जो प्रक्रिया है वो इस बार चेंज की गई है। तो यहाँ पे समस्त 2021-22 में प्रवेशित नवीन छात्र जो कि प्रथम वर्ष ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष एवं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, समस्त रेगुलर छात्रों के लिए नामांकन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चेंज की गई है। तो इसकी जानकारी जो है आज यहाँ पे आई हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन है वो क्या है, आपका नामांकन कैसे होगा, आपको जो इस बार नामांकन प्रोसेस है वो स्वयं नहीं करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। इसका जो चार्ज है वो आपको कैसे पे करना होगा, तो समस्त प्रकार की जानकारी के लिए जो है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे पीडीएफ के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो है 1/12/2021 को यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के जो नामांकन है वो कराना बहुत अनिवार्य है। तो समस्त छात्रों अगर नामांकन नहीं होता है तो उनका जो है यहाँ पे रजिस्टर रोल नंबर नहीं हो जारी नहीं होता है, एग्जाम नहीं दे पाते। तो यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से जानकारी बताना चाहेंगे। 1/12/2021 को जानकारी यहाँ पे दी गई है जो कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी की प्रोसेस सेम है, सबके लिए जो है इन्फॉर्मेशन आई हुई है। हम सब यूनिवर्सिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग लेकर आए। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2021-22 के अंतर्गत जो छात्र स्नातक प्रथम वर्ष यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के जो प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम सेमेस्टर में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है उनके नामांकन होना प्रारंभ हो चुके हैं। तो अब उन्हें क्या करना है, तो यहाँ पे समस्त छात्र जो है उन्हें डायरेक्ट महाविद्यालय से ही एनरोलमेंट जो है जारी करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सूचना है जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में सत्र 2021 में 21-22 में अंतर्गत जो स्नातक प्रथम एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के जो समस्त छात्र जिन्होंने प्रवेश लिया है उनका जो डाटा है, आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनके हिसाब से आपका जो डाटा है वो महाविद्यालय में जाएगा। वहाँ पे इनको जो है नामांकन जनरेट करनी है, एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पे जो नामांकन की फीस है वो आपको कब और कैसे देनी होगी, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसे आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची तैयार कर दिनांक 10/12/2021 तक यानी 10 दिसंबर 2021 तक समस्त महाविद्यालयों को जो है यूनिवर्सिटी के लिए ये नामांकन की जो प्रोसेस है पूरी करनी है। नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क यानी नामांकन के लिए जो निर्धारित शुल्क लगता है 330 रुपये के समथिंग जो आपका पोर्टल चार्ज लगता है नामांकन के लिए, वो राशि विद्यार्थी को देना है, विद्यार्थी को स्वयं वो राशि जमा करनी होगी। तो यहाँ पे निर्धारित शुल्क की जो राशि है वो विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई प्रथम किस्त से भुगतान की जाए। यानी आपने जो फर्स्ट किस्त 1000 रुपये की जो फर्स्ट किस्त जमा की है उसमें से ही आपकी जो है यहाँ पे ये राशि ले ली जाएगी 330 रुपये के समथिंग आपकी ये जो राशि है जो आपकी यहाँ पे एडजस्ट की जाएगी। इसके बाद आप जब दूसरी किस्त भरते हैं तो दूसरी किस्त में आपको उतने फीस अलग से पे करनी होगी। यानी आपको जो फीस अभी देनी है उसमें आपको 350 रुपये की समथिंग आपको एक्स्ट्रा जो फीस है यहाँ पे देनी होगी। इसकी भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द जारी की जाएगी जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो समस्त छात्र यहाँ पे अब छात्रों को स्वयं जो है यहाँ पे नामांकन प्रोसेस नहीं करना है, यहाँ प्रोसेस चेंज किया गया है। अब महाविद्यालय स्वयं अपना एनरोलमेंट नंबर आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे किन लोगों को नामांकन मिलेगा, तो यहाँ पे समस्त विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश लिया है उनको फीस पेमेंट करना है, नामांकन शुल्क जमा कराया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा जो है नामांकन शुल्क जमा किया जाएगा और 15/12/2021 तक सुनिश्चित यानी इनका जो रिपोर्ट है वो भेजा जाएगा। और जो मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं जो कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड से इस वर्ष उत्तीर्ण किया है उनके लिए यहाँ पे जो है एनरोलमेंट नवीन होगा। इसके बाद जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया है और उसी यूनिवर्सिटी से पहले पढ़े हुए हैं
तो उनका वही एनरोलमेंट नंबर जो है आगे अपडेट किया जाएगा। तो इसका जितना भी शुल्क होता है, जितना भी चार्ज होता है, वो आपको स्वतः आपने जो प्रथम किस्त भरी है 1,000 रुपये का, या फिर अगर नहीं भरी है तो आप जब दूसरी किस्त भरते हैं तो उसमें आपको जो है यहाँ पे पेमेंट एडजस्ट करके देना होगा। तो अब आपको नामांकन जो है अपना ऑनलाइन स्वयं नहीं करना है, आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉलेज आपको जो है डायरेक्ट एनरोलमेंट अपडेट करके देगा, एनरोलमेंट नंबर देगा, रोल नंबर जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे अब आपको स्वयं से एनरोलमेंट नहीं कराना होगा और छात्र अब इससे जो है गलतियों से बचकर बच सकते हैं। तो यहाँ पे और भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर नामांकन से रिलेटेड कोई जानकारी आती है या एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर जिन छात्रों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं वो शीघ्र अपने यूनिवर्सिटी जाकर या अपने कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट जमा करें, क्योंकि आपका जो ई प्रवेश के माध्यम पोर्टल से जो आपका डाटा है वो लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट के साथ और जो है यूनिवर्सिटी को सबमिट किया जाएगा, तब आपका नामांकन यहाँ पे जारी होगा।